नमस्कार प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे पार्ट 3 शिष्टाचार। हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे। मगन अच्छा लड़का है, मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं, सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। मगन कभी झूठ नहीं बोलता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, बुरी संगत से सदैव बचता है, अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है, कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है, कभी उन्हें भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है, कड़वा बोल कर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है, बड़ों की बात को कभी नहीं काटता, हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता है, वह उनका आदर से अभिवादन करता है, कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाता, किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मचाता, अपना पाठ याद करता रहता है, वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता, व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता, कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता, वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं, इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित रखती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें शिष्ट आचरण करना चाहिए, बड़ों का सत्कार और छोटों से प्यार करना चाहिए, और हमेशा हमारे वातावरण को खुशनुमा बनाए रखना चाहिए।